देखो राहुल, बोरी को सही से पकड़ो, सही से। मैं सही तरीके से बोरी में धान नहीं भर पा रहा हूँ। ये मंडी है राहुल, मंडी। यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अभी तो सुबह से काम करते हुए दोपहर ही तो हुआ है, अभी से तुम काम में दिक्कत करने लगे। अरे मोदी जी, कैसे पकड़ूं मैं, और कैसे पकड़ूं? मैं सही तरीके से तो पकड़ रहा हूँ। मैंने बोरी को बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ रखा है, तुम ही धान सही तरीके से नहीं भर रहे हो बोरी में। आज लालू जी मंडी में धान बेचने के लिए लाए भी काफी है, बहुत धान पैदा हुआ है उनके खेत में। योगी जी बिल्कुल बोरी को सही तरीके से तोलो, पूरी 50 किलो की बोरी तोलो। मेरे धान की बोरी की तोल सही तरीके से होना चाहिए, कह देता हूँ योगी जी, क्योंकि तोल तुम ही कर रहे हो। ये बताओ लालू जी, तुम्हारा क्या अनोखा हम धान तोल रहे हैं? इस अनाज मंडी में दिन रात हमारा गेहूं धान तोलने का काम है, हम कोई गलत थोड़ी तोल देंगे तुम्हारे धान को। वैसी जी थोड़ा सा धान और डालो बोरी में, अरे यूं ही खड़े रहोगे क्या? 1 किलो धान कम है अभी बोरी में, 1 किलो धान डालता हूँ मैं। अरे अखिलेश यूं ही खड़े रहोगे, धान की बोरी तुल चुकी है, उसे उतारो तराजू के ऊपर से। अरे मोदी जी थोड़े से धान ज्यादा डाल दिए थे योगी जी ने बोरी में, वो अभी निकाल रहे हैं धान को। बोरी जब तुल जाएगी तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने आप इस तराजू के ऊपर से हटा दूंगा। अरे अपना मंडी मजदूर है, अपना यही काम है दिन रात का, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आपको। वैसे लालू जी आपने ये अपना धान किसको बेचा है और किस रेट में बेचा है? धान तो आपका काफी पैदा हुआ है इस बार खेत में। अखिलेश कहाँ ज्यादा पैदा हुआ है धान मेरे खेत में, पिछली बार तो मेरे खेत में धान का बहुत बड़ा ढेर निकला था, इस बार तो ये ढेर कम लग रहा है। देखो जब तुल जाए तो ही पता चलेगा कि कितने क्विंटल धान पैदा हुआ। अब तुम जल्दी जल्दी तोलो इस धान को। अरे लालू जी तोल तो रहे, तुम्हारा धान क्यों आफत मचाई हुई हूँ? थोड़ी देर खाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो ये समझ रहे हो कि हम ज्यादा धान तोल देंगे तुम्हारा बोरी में। अरे तुम्हें जल्दी है तो हमें भी तो जल्दी है, हम सोच रहे हैं कि कब धान तोल के मजदूरी करके जल्दी से घर जाएं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी ये क्या है, यहाँ आकर मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ पर अमित शाह जी, सारा काम सही तो कर रहे हैं हम। अरे इस घर को बनाते हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? अमित शाह जी यही कोई 25 दिन हो गए काम करते हुए। और तुमने मुझसे कितने दिन में वादा किया था घर बनाने का? देखो अमित शाह जी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, वादा तो मैंने 1 महीने का किया था कि मैं 1 महीने में घर बना के दे दूंगा, लेकिन वादा तो ऊपर नीचे होता रहता है। अरे कैसे वादा ऊपर नीचे होता रहता है, 25 दिन में अभी 20% घर भी नहीं बना है, ऐसे तो ये घर 3 महीने में बनेगा। देखो अमित शाह जी मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैंने 4-5 मजदूर लगा रखे हैं, लेकिन तुम्हारा घर बनाने का सामान ही बढ़िया नहीं है। कैसे, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात मोदी जी। समझोगे कैसे, जब हम आपको दिखाएंगे तो समझोगे। ये देखो हमारे हाथ में सारी की सारी टूटी ईंट आ रही है आपकी ईंट भट्टे से। अब इस टूटी ईंट से दीवार बनाने में वक्त तो लगता ही है, इसीलिए घर लेट हो रहा है बनने में। अरे राहुल तो इस बात की शिकायत तुमने पहले क्यों नहीं की, मैं दूसरे ईंट भट्टे से ईंट मंगाता, इस वाले ईंट भट्टे से ईंट नहीं मंगाता। ये देखो अमित शाह जी, सब लोग अपने हाथ में ले लो ईंट के टुकड़े, देखो कितने ईंट के टुकड़े हैं, साबुत ईंट कम है और टूटी हुई ईंट ज्यादा है। आप फोन करके दूसरे ईंट भट्टे से ईंट मंगाओ, तभी घर जल्दी बनेगा। ईंट के अलावा और किसी चीज में तो कमी नहीं है मोदी जी। बालू वाली बात भी मैं बता देता हूँ अमित शाह जी, बुरा मत मानना, आपके बालू में मट्टी बहुत है, बालू भी बदलवाओ, नहीं तो ये घर ज्यादा टिकेगा नहीं। अरे तो ये बातें आप मुझे अब बता रहे हो, पहले से क्यों नहीं बता रहे हो? ईंट और बालू में अगर कोई घपला था तो मुझे बताते, मैं बदलवा देता पहले ही। अरे हम शिकायत किससे करते, आप फोन से ही सारा सामान ईंट बालू भिजवा देते हैं, आप तो कभी आते नहीं है। आज 25 दिन बाद आज आप आए हैं, हमारी पगार तक नहीं मिली है 25 दिन से। केजरीवाल मैंने तुमसे कहा था कि घर बनते टाइम मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम बार बार आकर नजर मारते रहना, लेकिन तुम एक बार भी यहाँ पर नहीं आए, आज मेरे साथ आए हो तुम यहाँ। अब ये बालू और ईंट सब बदलवाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब काम तभी स्टार्ट करवाएंगे अपना लोग जब ये ईंट और बालू दूसरी आ जाएगी। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल तुम तो अपने लंच बॉक्स को ऐसे छुपा रहे हो जैसे हम तुम्हारा लंच बॉक्स खा लेंगे। क्या लाए हो आज तुम अपने लंच बॉक्स में? तुम और अखिलेश तो एक साथ अपने लंच बॉक्स में खाना लाती हूँ। कुछ नहीं मोदी जी, वो ही दाल चावल आज फिर लाया हूँ मैं। और आप ये क्या बात कह रहे हो कि मैं लंच बॉक्स छुपा रहा हूँ? कहाँ छुपा रहा हूँ, वो तो मैं लंच बॉक्स को अखिलेश की तरफ रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं और अखिलेश दोनों मिलकर एक ही लंच बॉक्स में खाना लाती। और मोदी जी आपके लंच बॉक्स में तो पराठा रखा हुआ है,
पराठा लाए हो क्या? राहुल, हम तुम्हारी तरह रोज दाल चावल थोड़ी लाते, हम तो रोज अलग अलग सब्जी बदल के लाते। आज मैं आलू का पराठा लाया हूँ। अरे स्कूल में लंच करने का टाइम बहुत कम कर दिया, पहले आधा घंटा मिलता था, अब लंच करने का टाइम सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में कैसे खाना खा लोगे? जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। अरे केजरीवाल जी, तुम्हारी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? तुम तो खाली बैठे हो। अरे क्या बताऊँ मोदी जी, आज मेरा लंच बॉक्स घर ही पर रह गया, मैं लंच बॉक्स लाना भूल गया। और आपके आलू के पराठे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मेरे बराबर में योगी जी चुपके चुपके मटर पुलाव खा रहे हैं, वो तो अपना टिफिन को दिखाई नहीं रहे मुझे। अरे केजरीवाल, ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है, एक दिन का नाटक थोड़ी है। तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन घर भूल आते हो, पता नहीं जानबूझकर भूल के आते हो या बहाना बनाते हो। हम तुम्हें हर दिन जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाते हो अपने लंच बॉक्स में से खिलाते हैं। आज तो भाई मैं अपना मटर पुलाव कम लाया हूँ, मैं तो नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे मुँह में पानी आए या नहीं आए मैं कुछ नहीं जानता। अरे योगी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपका मटर पुलाव मांग रहा हूँ। मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस मोदी जी से थोड़ा सा बस आलू का पराठा मांग रहा हूँ। मैं भी केजरीवाल आज एक ही पराठा लाया हूँ, लो ले लो इसमें से आधा पराठा, क्या करा जाए जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाए हो, तो साथ में मिल बांट के खाना ही पड़ेगा। आओ केजरीवाल जी इधर आ जाओ, आप हमारे साथ दाल चावल खा लो, तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे, आ जाओ। अरे मोदी जी और अखिलेश, मैं भी कोई केजरीवाल को खाना देने को मना थोड़ी करता हूँ। जब ये टिफिन नहीं लाते मैं खिलाता नहीं हूँ, लेकिन एक आध दिन की बात अलग होती है, ये हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन भूल आते, ये बात समझ में नहीं आती। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, योगी जी, राहुल ऐसे खड़े होने से काम चल जाएगा जिस तरीके से तुम खड़े हुए हो? अरे अमित शाह जी ने अपने खेत में मक्का के भुट्टे को तोड़ने के काम पर लगाया है, और मैंने तुम्हें इतना अच्छा तरीका सुझा दिया, मैंने तुम सबको ये बैग यानी थैले तैयार करवा दिए, अब तुम तोड़ तोड़ के इसी में रखते रहो। अब इससे ये भी कोई नहीं कहेगा कि मैंने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए या तुमने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए, सब लोगों के तोड़े हुए भुट्टे सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने थैले यानी बैग में रख रहे हैं तोड़ के। मोदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है अमित शाह जी अपने खेत में कच्चे भुट्टे तोड़वा रहे हैं, थोड़े और पक जाने देते इनको तभी तोड़वाते। अरे योगी जी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कच्चे भुट्टे तोड़वाएं या पके हुए भुट्टे तोड़वाएं, अपनी तो मजदूरी हो ही रही है, समझी, अपनी मजदूरी होना चाहिए। अरे राहुल, तुम्हारी तो डबल डबल मजदूरी हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी भी भुट्टे तोड़ रही है और तुम भी मक्का के भुट्टे तोड़कर अपने बैग में रख रहे हो। हम अगर दिन भर में 100 रुपए कमाएंगे तो तुम और तुम्हारी मम्मी 200 रुपए कमाएंगी। अखिलेश, तुम 200 रुपए तो देख रहे हो लेकिन हमारी मेहनत नहीं देख रहे हो। अरे मैं भी काम पे लगी हुई हूँ और मेरा बेटा राहुल भी काम पर लगा हुआ है। अखिलेश, तुम ज्यादा बातें तो बताया मत करा करो, जितने मैं और मम्मी जी मिलकर इस मक्का के खेत में भुट्टे तोड़ रहे हैं उससे ज्यादा तो भुट्टे तुम अकेले तोड़ लेते हो अपने बैग में। तुम्हारा बैग देखो फुल भर गया, और मेरा और मम्मी जी का बैग अभी तक नहीं भरा है। मोदी जी का भी बैग बिल्कुल फुल हो गया भुट्टों से, लेकिन योगी जी का अभी खाली है बैग, उसमें और भुट्टे आएंगे। अरे राहुल, तुम और योगी जी तो हल्के हल्के भुट्टे तोड़ रहे हो, मैं और अखिलेश बहुत तेजी से भुट्टे तोड़ रहे हैं इस मक्का के खेत में, तो हमारा तो बैग जल्दी भर ही जाएगा। जो जितनी जल्दी मक्का के भुट्टों से बैग भरेगा उसकी उतनी ही ज्यादा मजदूरी होगी। अरे वो सब तो छोड़ो मोदी जी, मुझे ये बताओ अमित शाह जी से तुमने दिहाड़ी कितने रुपए तय की है? एक बैग यानी थैला भरकर भुट्टा तोड़ने पर वो कितने रुपए देंगे अपनों को? अरे योगी जी, बिना काम का सौदा किए बगैर मैं काम नहीं करता हूँ। एक थैला भरकर भुट्टे तोड़ने पर अमित शाह जी अपनों को 20 रुपए देंगे, 20 रुपए थैला। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।